ये मैं क्या सुन रही हूँ पायल, क्या टेंशन हो गई थी? कुछ नहीं दादी माँ, वो नाश्ते को लेकर कुछ कहा सुनी हो गई। गलती किसकी थी? दादी माँ मैं थोड़ी बिजी थी, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना था, इसलिए मैंने कह दिया कि सुभद्रा भाभी नाश्ता बना लेंगी, लेकिन राजेश भैया ने मुझे बहुत उल्टा सीधा सुना दिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं? इसमें मेरी गलती कैसे हुई? किचन की जिम्मेदारी निभाने का वादा किसने किया था? लेकिन दादी माँ मैंने एक सवाल पूछा है, उसका सिर्फ जवाब दो। किचन तुम ही संभालती हो ना? हाँ। तो जो बात हुई उसके लिए जिम्मेदार तुम ही हो ना? हाँ। अपनी गलती का एहसास है तुम्हें? नहीं, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की। मैं मानती हूँ कि किचन की जिम्मेदारी मैंने ली है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने कोई एग्रीमेंट साइन कर लिया है कि किचन का काम सिर्फ मैं ही करूंगी। अरे कल के दिन कुछ ऊंच नीच हो गई, मैं बीमार पड़ गई, तो किचन में कोई जाएगा नहीं, फर्स्ट किचन में मर गई तो आप लोग भूखे रह जाएंगे। तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो? मेरे बेटे ने, मेरे पोतों ने कभी इस तरह से बात नहीं की मुझसे। मुझे आंखें दिखा रही हो तो? दादी माँ मैं आपको आंखें नहीं दिखा रही हूँ, अपनी सफाई पेश कर रही हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये समझाना हुआ? इस घर की बड़ी बहू सुभद्रा है, इस घर का बड़ा बेटा राजेश है, उनकी इज्जत इस घर में होनी चाहिए। अगर उनकी इज्जत नहीं हुई तो समझ लो मुझसे भी नाता टूट गया। लेकिन दादी माँ आप सब कुछ पायल को क्यों कह रही हैं? गलती उनकी भी तो है, उन्हें भी समझाइए। तुम क्यों बीच में बोल रही हो? ये बात मुझ में और पायल में चल रही है, तुम नहीं जानती गलती पायल की है। अरे क्या गलती की मैंने जो आप मेरे साथ इस तरह की बातें कर रही हैं? खाम खा मुझ पर इल्जाम लगाई जा रही है। लेकिन पायल ने जब कोई गलती नहीं की तो वो गलती का एहसास क्यों करे? तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? अरे मैं कौन होती हूँ? मैं इस घर की बहू हूँ। बहू हो सास नहीं, मैं जिंदा हूँ अभी तक, जब मैं मर जाऊंगी तब फैसला कर लेना तुम। कमाल है, इस घर में सच बोलना भी पाप है। दादी माँ अब ये दिन आ गए हैं, पहले पायल ने बातें सुनाई और अब ये सुना रही है। इस घर में छोटों को बड़ों की इज्जत करना तो बिल्कुल भूल ही गया। ये चाहते हैं कि इनको सारी छूट मिल जाए ताकि ये पूरे दिल से बड़ों की बेइज्जती कर सके। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम्हारे कहने का मतलब यही था और क्या? आज ही तो कल कहोगी तुम, तो कल को अपनी बड़ी भाभी को गालियां दोगी, कहोगी निकले वो यहाँ से, तुम चाहोगी मैं और वो दोनों यहाँ से जाएं, खुश हो जाओगी तुमसे। आपके कहने का मतलब क्या है? क्या मैं इतनी गिरी हुई औरत हूँ? तुम्हारी जो हरकतें हैं, जो बोलती हो ना, उससे मैं क्या बोलूं, तुम खुद समझ जाओ क्या हो तुम। दादी बाप कहती थी ना बहू में बेटी समान होती, बेटी लायक नहीं है। हम लोग इस घर के बहू बेटी बनने के लायक नहीं है। दीदी देवयानी तुम रो क्यों रही हो? अरे कुछ बताओगी भी या नहीं? आज घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया मालूम है। झगड़ा? कैसा झगड़ा? वो बाबूजी के नाश्ते को लेकर बात बढ़ गई, मैंने पायल का साथ दिया तो राजेश भैया ने मुझे उल्टी सीधी सुना दी। दादी माँ भी बुरा मान गई कि हम इस घर के कोई नहीं लगते, क्या मुझे कोई अधिकार नहीं। राजेश भैया ने तो इतना तक कहा कि मैं इस घर की बहू बनने के भी लायक नहीं हूँ। वो बड़े हैं, उन्हें समझना चाहिए था, उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया? मुझे भी इसी बात का अफसोस है, मैं उस बात को भूल ही नहीं सक रही हूँ, इतनी बड़ी बात उन्होंने मुझसे कैसे कही। अरुण तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, कोई टेंशन मत लो। लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे इतनी बड़ी बात हो गई और तुम अकेले रोए जा रही हो। मैंने सोचा घर की बातें छोटी सी है, बार बार मैं हर बात को लेकर आपके पास क्यों आऊँ? क्यों, क्या मैं इस घर का कोई नहीं हूँ? तुम्हारा ख्याल मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? और अगर कोई बात थी तो उन्हें मुझसे कहना चाहिए था, तुमसे क्यों कहा? मैं आज ही बात करूंगा राजेश भैया से। नहीं नहीं आप उनसे कुछ मत कहिएगा, जैसा मैं सह रही हूँ ना वैसे आप भी सह लीजिएगा। देखो आज मैं कह दूंगा ना तो बात यही दब जाएगी, तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी, वरना रोज रोज तुम्हें सहना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज ही उनसे बात करके इस मैटर को क्लोज कर दो। भैया ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आपने देवयानी को उल्टी सीधी बातें कह दी? उल्टी सीधी नहीं, सीधी बात की, मैंने बात समझाने की कोशिश की है। मैं घर का बड़ा हूँ, मेरा फर्ज बनता है घर के छोटों को समझाऊं, उन्हें नसीहत दूं। लेकिन मैं भी तो हूँ इस घर में, मुझे तो पता ही नहीं लगता कि कहाँ क्या हो रहा है, मुझे भी तो मालूम होना चाहिए। मैं डांटूंगा उसे, मेरी बीवी है वो। जानता हूँ तुम्हारी बीवी है, क्या मेरी खुशी लगती? मैं उसका जेठ हूँ और मेरा हक बनता उसे डांटने का। लेकिन आपने जो कहा उसे डांटना नहीं कहते, आपने तो उसे ताने मार दिए।
क्या वो इस घर की बहू नहीं है? और अगर नहीं है तो हम क्यों रह रहे हैं यहाँ पर? देखो, तुम बीवी की बातें सुनकर भड़क रहे हो। पहले बात को अच्छी तरह से सुनो, सोचो, समझो, फिर कुछ कहो। मैंने सुन भी लिया है, सोच भी लिया है और समझ भी लिया है, और इसीलिए यहाँ आपसे बात करने आया हूँ। क्या करने आए हो? हैं? झगड़ा करना चाहते हो मुझसे? क्या इरादा तुम्हारा? इरादे कुछ नहीं है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इस बार जो हुआ है वो आगे नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता भी है कि हुआ क्या है? हाँ हाँ, देवयानी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया है, उसने जो कुछ बताया है ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है, और मेरे हिसाब से देवयानी गलत है। बात बाबूजी और पायल में हो रही थी, उसका बीच में कूदने का क्या मतलब था? गलती पायल की थी, उसने साथ पायल का दिया। अरे बाबूजी का साथ देना चाहिए था उसे। हम बेटे के चुड़िया बन के बैठे हैं यहाँ पर कि बाबूजी को कोई कुछ बोल देगा और हम चुपचाप देखते रहेंगे उसे। वो कुछ नहीं है, वो इस घर की बहू है। अरे बहू है तो सर चढ़ के नाचेगी क्या? बाबूजी कुछ भी बोल देगी। देखो, मैं बाबूजी और दादी माँ की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई भी कुछ ऐसा करेगा ना तो मैं बात ही नहीं करूंगा, कोई भी कदम उठा सकता हूँ। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? उसे घर से निकाल देंगे? कुछ भी कर सकता हूँ। जिस घर में बड़ों की इज्जत ना हो, उस घर में बड़ों को रहने का फायदा क्या है? तुम मुझसे कुछ कहने आए थे ना, मैं तुम्हें कहता हूं, उसे समझा देना, आइंदा इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप ये मत सोचिए कि वो अकेली है। जब मैंने शादी के साथ फेरे लिए थे ना तो कसमें खाई थी कि हम लोग हर हालत में एक दूसरे का साथ देंगे। वो अकेली पड़ी रोती रहे और मैं आप लोगों का साथ दूं, ये नहीं हो सकता। राजेश, क्या कर रहे हो तुम? राय का पहाड़ बना दिया तुम लोगों ने। सारे फसाद की जड़ तो मैं हूं, न रों की गलती है और न राजेश तुम्हारी। मैंने बेवकूफी की कि मैंने इस घर में नाश्ता मांग लिया, लेकिन अब मैं तुम लोगों से वादा करता हूं कि इस घर में न मैं नाश्ता करूंगा और न ही खाना खाऊंगा। अगर भूख लगेगी तो मैं बाहर जाकर होटल में खा लूंगा। ये किसी बहू को तकलीफ नहीं होगी। बस अगर तुम लोग कुर्बानी नहीं दे सकते तो मैं दे रहा हूं। बहू से कह देना कि मेरे लिए ना नाश्ता तैयार करे और ना ही खाना। खुश? घर पे नाश्ता नहीं करेगा, घर पे खाना नहीं खाएगा। तो मैं क्या बेवकूफ हूं जो बैठी देखती रहूं? घर होते हुए होटल में खाना खाएगा? ये तेरा घर है, इस पर तेरा अधिकार है। हम चाहे तो सबको एक एक करके निकाल सकते हैं घर से। जाने दो माँ, तुम भी बच्चों के साथ मिलकर बच्ची बन जाती हो। अगर तुम्हें उनकी इतनी फिक्र है तो मुझे तेरी फिक्र है। हर माँ बाप को अपनी औलाद की फिक्र होती है। तू खाना इसी घर में खाएगा। नहीं माँ, मैं झगड़े नहीं चाहता। ठीक है, फिर एक काम करते हैं। अगर हम दोनों का इस घर से दाना पानी उठ गया है तो हम कहीं और जाके रहते हैं। कहाँ जाएंगे माँ? अब तो फार्म हाउस भी नहीं रहा। कहीं भी तुझे चलना है तो चल, नहीं तो मैं तीर्थ यात्रा पे चली जाती हूँ। जाने दो माँ, छोड़ो भी, अब बच्चे हैं, अकल ठिकाने आ जाएगी। इनको अकल तब आएगी जब हम यहाँ से चले जाएंगे। तू मेरे टिकट का इंतजाम कर, अगर तू नहीं करता तो मैं खुद टिकट का इंतजाम करके चली जाती हूँ। ठीक है माँ, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। याद रख, इन बच्चों को अपने दिल से निकाल दे। जब हम यहाँ से चले जाएंगे ना तब उन्हें पता चलेगा कि बड़ों का साया एक आशीर्वाद होता है। अरे दादी माँ, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम घर छोड़कर जा रहे हैं, हमारी वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है, फिर इस घर में रह के क्या करना? जब हमने इकट्ठा रहने का फैसला किया था तो सब लोगों ने वादा किया था कि हर छोटे मोटे दुखों को आपस में बांट लेंगे, जिंदगी के हर उतार चढ़ाव का सब मिलकर मुकाबला करेंगे, दुखों को हंस के सह लेंगे। पर कोई अपना वादा निभाने को तैयार नहीं है। हमारी वजह से घर में झगड़े हो रहे हैं और झगड़े हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कल उठकर लोग पूछेंगे कि घर टूटा क्यों, तो सब कहेंगे बाबूजी की वजह से, जिसने घर को एक होने का सपना देखा था
उसी की वजह से घर टूट गया और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए हम जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे आप? ये आपका घर है, अगर जाना है तो हम लोगों को जाना चाहिए। इस उम्र में तो एक ही घर होता है, स्मशान। बाबूजी ऐसा मत कहिए, आप लोगों का साया हमारे सर पर हमेशा रहना चाहिए। मैं सब कुछ सुन चुका हूँ, सब कुछ जान गया हूँ, आप लोग इस घर से नहीं जाएंगे। क्यों छोटी तसल्ली दे रहा है? बात इस हद तक पहुंच गई है कि चिंगारी को शोला बनते देर नहीं लगती। शोला बनने से पहले चिंगारी को बिठा देना चाहिए और हमारे जाने से ही चिंगारी बुझ जाएगी। आपके कहने का मतलब क्या है दादी माँ? कि आप लोगों के यहाँ रहने से हम लोगों को तकलीफ होती है? आप लोग यहाँ से नहीं जाने दादी माँ। हम लोगों ने जाने का फैसला किया है, अब जिद मत कर। नहीं दादी माँ, नहीं बाबूजी, आप लोगों को मेरी कसम, आप लोग नहीं जाएंगे। पायल, तुमने जो कुछ किया बहुत गलत किया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या किया मैंने? देखो पायल, तुम मुझे कुछ भी कह लो, अपना झगड़ा अपनी जगह है, हम पति पत्नी हैं, हमारी बात और है। लेकिन तुम बड़ी भाभी को बातें सुनाओगी, बाबूजी से जबान चलाओगी, मैं ये सोच भी नहीं सकता हूँ। अच्छा, तो तुम्हें भी लगता है गलती मेरी है? अरे एक दिन नाश्ता क्या नहीं बनाया, आफत खड़ी हो गई। 5 मिनट की तो बात थी, अगर तुम नाश्ता बनाकर चली जाती तो कोई प्रॉब्लम हो जाती? मैं पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, देख हो रही थी, इससे मैंने सुभद्रा भाभी से कह दिया कि नाश्ता बना ली, तो पता है राजेश भैया ने मुझे कितना उल्टा सीधा सुना, कहने लगे मेरी कमाई से घर नहीं चलता, ये कोई तरीका है बात करने का? वो बड़े हैं, अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो क्या तुम जवाब दोगी? अब जो होना था हो गया, अब बोलो क्या करूं? मालूम है तुम्हारी इस हरकत का क्या नतीजा हुआ? क्या हुआ? बाबूजी और दादी माँ ये घर छोड़कर जा रहे हैं। घर छोड़कर जा रहे? जी हाँ, देखो पायल, अगर बाबूजी और दादी माँ ये घर छोड़कर जाएंगे तो आज के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, और मैं भी ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। सुमित, मुझे नहीं मालूम था मेरी बात ये रूप ले लेगी, इस हद तक पहुंच जाएगी। मेरी बातों से वाकई बाबूजी का दिल बहुत दुखा होगा, तभी उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। पायल, अब तुम ही बाबूजी को समझा सकती हो। तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें समझाऊंगी, हर मैं देखती हूँ वो घर छोड़कर जाते कैसे हैं। जा रहे हैं आप लोग? मत जाइए प्लीज। हाँ, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। हमारी वजह से इस घर की शांति भंग हो रही है, इसलिए हमने सोचा हमारा यहाँ से चले जाना ही ठीक रहेगा। ऐसे कैसे सोच लिया आपने? नाजिमा एक बात बताइए, अगर ये बातें आपकी अपनी सगी बेटी ने कही होती तो क्या आप इस तरह चले जाती, इस घर को छोड़ देती? बाबूजी, आपने हम लोगों को अपनी सगी बेटियों से ज्यादा रखा है और हमने आपको अपना पिता समझा है। बाबूजी, बच्चों से तो गलतियां हो जाती हैं, बड़ों का फर्ज होता है उन्हें माफ कर दे, क्या आप उन्हें माफ नहीं करेंगे? देखो बेटी, पहले की बात और थी और आज बात कुछ और है। हर एक अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है, तो हम दूसरों की जिंदगी में क्यों दखल दें? हमारा यहाँ से जाना ही ठीक होगा, तुम चिंता मत करो, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे कैसे तकलीफ नहीं होगी, इतना बड़ा घर छोड़कर आप लोग कहाँ जाएंगे? बाबूजी, हमारा फर्ज है कि हम लोग आपकी सेवा करें, अगर आप लोगों को लगता है कि हम आपकी सेवा के लायक नहीं तो लानत है हमारी जिंदगी पर। दादी माँ,
आपको जाना है तो जाइए, लेकिन हमें भी साथ लेकर जाइए। हाँ दादी माँ, अगर आप लोग जा रहे हैं ना तो हम भी साथ चलिए। चलो पायल सामान बांध लो। दादी माँ, आप ही कहती आई है ना कि छोटी छोटी गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए, फिर हमें सबक सिखाकर आप ही जा रही हैं। क्या बड़ों का यह फर्ज नहीं बनता कि छोटों को समझ लें? बाबूजी, बिजनेस की वजह से मैं अपना फर्ज भूलते जा रही थी, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आइंदा मैं इन बातों का ध्यान रखूंगी। हाँ बाबूजी, मुझसे भी गलती हो गई है, मैंने पायल की तरफदारी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन एक वक्त सभी लोग उसके ऊपर इस तरह उमड़ पड़े थे कि मुझे तरस आया और मैंने उसका साथ दिया। मुझे माफ कर दीजिए। अब बताइए, अब नहीं जाएंगे ना घर छोड़कर? माँ, जब दो बेटियां समझाएं और अपनी गलतियों पर पछताएं तो हमारा न मानना गलत होगा। इसका मतलब आप लोग नहीं जाएंगे ना? बेटी, बड़े होकर हम अपना फर्ज भूल रहे थे, छोटे तो गलतियां करते ही रहते हैं, हमें इस तरह घर छोड़कर जाने का फैसला नहीं करना चाहिए था, हमसे गलती हो गई। थैंक यू बाबूजी। तुमने अचानक मुझे यहाँ क्यों बुला लिया? सुमित, मुझे पायल के बारे में तुमसे बात करनी है। देखो सुमित, ये मत समझना कि मैं तुम्हें पायल के खिलाफ भड़का रही हूँ। मैं ये बात तुम्हें सिर्फ इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो। मैं नहीं चाहती कि लोग तुम्हारे बारे में बात करें। क्या बात है, बताओ। मैंने लोगों से सुना है कि पायल बाहर ये बोलती फिर रही है कि तुम निकम्मे हो, उसे घर भी चलाना पड़ता है और बाहर बिजनेस भी उसे ही देखना पड़ता है। वो तो यहाँ तक कह रही है कि अगर वो काम करना नहीं शुरू करती तो शायद तुम लोग घर भी नहीं चला पाते। ये बात तुम्हें किसने बताई? सुमित, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जबान से कहना जरूरी नहीं होता, फिर भी सामने वाले को महसूस कराया जा सकता है, और यही पायल कर रही है। ये बताना मेरा फर्ज था इसीलिए मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन तुम पायल से कुछ मत कहना, अपने आप पर काबू रखना। ठीक है पूर्णिमा, मैं चलता हूँ। बाय।